चलो हम 10 से ज्यादा लोग हैं, सिर्फ 3 जन ने जवाब दिया है। म्यूचुअल फंड्स ठीक है। नीलेश यादव, प्रतीक कोकले, शुभम तिवारी, मनोज जैन, अब सब जवाब दीजिए। अजिंक्य हेंद्रे, तो जैसे हम देख रहे हैं, ओके, हम जितने भी लोग हैं सबके पास अगर पैसे आते हैं तो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोचता है, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की सोचता है। तो हर आदमी की अपनी एक जरूरत होती है, राइट? तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, उन जरूरतों को मैच करने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ये पूरी दुनिया में जब भी हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, हमारा पैसा 4 जगह पे जाके इन्वेस्ट होता है। पहला है इक्विटी, जिसको आम भाषा में हम शेयर बाजार कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, तो ये पहला है। दूसरा है डेट, जिसको हम आम भाषा में फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, डेट। तीसरा है गोल्ड, जिसको आइडियली कमोडिटीज कहलाना चाहिए, बट वो है गोल्ड। चौथा है रियल एस्टेट, जिसको आम भाषा में हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जब भी हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में, ओके? तो ये जो 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं एसेट क्लास। क्या कहते हैं? एसेट क्लास। ये आप नोट करके रखिए, ओके? ये 4 इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास होते हैं। अब जैसे हमने शुरू में बात करी, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास समझ होनी चाहिए, मुझे रिसोर्स होने चाहिए, मेरे पास रिसर्च का टाइम होना चाहिए, मुझे बाकी चीजें को भी ध्यान रहना चाहिए। तो अगर मैं ये सारी चीज कर सकता हूँ तो मैं खुद से करूंगा, लेकिन अगर मैं ये सारी चीज नहीं कर पाता हूँ तो इट इज बेटर कि मैं एक्सपर्ट का सहारा लूँ, जो एक्सपर्ट हम आम तौर पे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपको डेट में इन्वेस्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड है, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है गोल्ड म्यूचुअल फंड है, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है। तो बेसिकली जैसा आदमी जैसी जरूरत वैसा सल्यूशन। तो अब इसमें होता क्या है, म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल आदमी के पास तो डेफिनेटली जाता है और वहीं से पैसे लाता है, लेकिन जो आदमी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिस जरूरत के कारण, तो उसके हिसाब से वो एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम 10 लोग हैं, 10 में से मान लीजिए 4 लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया। बाकी 4 को डेट में इन्वेस्ट करना है तो डेट का एक ग्रुप बन गया। बाकी 2 जन को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो नीचे जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो यही समझाता है, राइट? म्यूचुअल फंड इज द ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो हर आदमी के कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के तहत एक ग्रुप बनता है और ये ग्रुप के हिसाब से पैसा आगे इन्वेस्ट होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये लाइन में समझनी क्या है, इज दैट म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत काम करते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत काम करते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ही कहलाती है। जैसे हम एनजीओस कहते हैं, हम कंपनियां देखते हैं, एचयूएफ देखते हैं, वैसे ही ट्रस्ट भी एक बॉडी होती है। तो म्यूचुअल फंड
उस ट्रस्ट के तहत काम करते हैं। ओके, सो हम आगे उसको और डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले समझते हैं फायदा क्या मिलता है म्यूचुअल फंड में जाने से, फायदा क्या मिलता है। तो सबसे पहला फायदा क्या मिलता है, इस दैट मेरा पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई यानी कि सपोज मान लीजिए आज मेरे पास 10,000 रुपए है, ओके, और ये 10,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं, ये 10,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं, और सपोज मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ तो मैं कितने ही स्टॉक्स खरीद लूंगा 10,000 रुपए से, राइट, मुश्किल से 4-5। लेकिन यही 10,000 रुपए जब मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा पैसा कम से कम 20 से 25 इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, राइट। तो इसके जरिए होता क्या है, अगर एक या दो स्टॉक ने भले ही परफॉर्म नहीं किया, बाकी स्टॉक्स मेरे पैसों को लिवरेज करने में मदद करेंगे। तो होता क्या है, डाइवर्सिफिकेशन के कारण मेरे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन माई रिस्क इज लोअर, ओके। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, जब हम एक साथ कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेरा खर्चा कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मुंबई रहता हूँ, ओके, और मुझे पुणे जाना है। अब मैं अगर अकेला खुद की गाड़ी लेके जाऊं तो पूरा फ्यूल कॉस्ट मुझे अकेले को देना पड़ेगा, बट इसके अलावा मान लीजिए मैं अपने मेरे 3 दोस्त को भी मेरे साथ लेके चलता हूँ, राइट, और मैं उनसे बात करता हूँ कि अपन खर्चा डिवाइड कर देंगे। तो अब जो भी खर्चा होगा, अब हम 4 जन में पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब एक ग्रुप बनता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के तहत, और जब फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा होता है वो पूरे ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो उसके कारण क्या है, मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। सो माय कॉस्ट इज लोवर्ड इन म्यूचुअल फंड्स, ओके। और म्यूचुअल फंड में आप अपनी मर्जी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में कहा, राइट, 10,000 के कारण आप मैक्सिमम 3 या 4 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन ऐसे भी म्यूचुअल फंड आते हैं जो आपको मिनिमम 100 रुपीज से भी शुरुआत की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, राइट, 100 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो और आपका पैसा इन्हीं 20-25 स्टॉक्स में डिवाइड होगा। तो कन्वीनियंस है, अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी डाला कभी भी निकाला, उसका भी ऑप्शन मेरे को मिल रहा है, राइट। तो ये फायदे हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट ज्यादातर लोग सिर्फ फंड मैनेजर के नजरिए से देखते हैं कि भाई मैं समझता नहीं हूँ तो इट इज बेटर कि मैं एक्सपर्ट को दे दूँ। डेफिनेटली जो शुरू में हमने सवाल देखे, कौन सी कंपनी, कितने स्टॉक्स, कब लेना चाहिए, क्या दाम पे लेना चाहिए, कब बाहर ना निकलना चाहिए, तो ये सारी एनालिसिस तो डेफिनेटली फंड मैनेजर करता ही है और वो हमें मदद करता ही है, जिसके कारण फंड मैनेजर के जरिए हमें अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद डेफिनेटली बनाए रखती है। लेकिन इसके अलावा भी जरा अंदाजा लगाइए, म्यूचुअल फंड में पूरे इंडिया में करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट, ये करोड़ों लोगों का पैसा स्मूथ तरीके से फंड मैनेजर के पास पहुंचता है, वो इन्वेस्ट करता है, रिडीम करता है, एसेट्स मिलते हैं, एसेट्स बिकते हैं, और इन्वेस्टर जब ये पैसा रिडीम करता है उनको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उनको स्मूथ तरीके से चला भी जाता है। और जब भी ये पैसा मैनेज हो रहा है, इसकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर जिन्होंने 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया है या जिन्होंने करोड़ों भी इन्वेस्ट किया है, स्मूथ
तरीके से, एफिशिएंट तरीके से वो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक प्रोफेशनल टीम ही कर सकती है, जिसीलिए हम कहते हैं म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज टीम। फिर एक फायदा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का फायदा ऐसे होता है कि हम जब भी जरूरत पड़ी म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हैं। सो दैट इज लिक्विडिटी का मतलब होता है जब भी जरूरत पड़ी वी कैन विड्रॉ अवर मनी, सो दैट इज लिक्विडिटी। फिर है वैरायटी। वैरायटी यानी कि जैसा आदमी जैसी जरूरत वैसा सोल्यूशन। तो जैसे किसी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी का ऑप्शन है, किसी को डेट में इन्वेस्ट करना है तो डेट का ऑप्शन है, किसी को गोल्ड में करना है तो गोल्ड का ऑप्शन है। विद इन इक्विटी किसी को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके तहत हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि अब म्यूचुअल फंड मोटे पैसों में डील करता है, राइट? हजारों करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर जो है वो 100 करोड़ से भी कई ज्यादा अमाउंट मैनेज करता है। तो मान लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक जगह या किसी एक कंपनी को मिल जाता है तो वो कितना आसान तरीके से अपने बिजनेस को, अपने लोकेशन को, अपने हाउ हाउ को बदल देंगे। That happens through economies of scale. अब म्यूचुअल फंड के फायदे तो हमने देख लिए, साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं एज एन इंडिविजुअल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं बना सकता। एंड व्हाट आई मीन बाय दिस, खुद का पोर्टफोलियो मीन्स मुझे मेरे 10,000 रुपए सिलेक्टेड 4 कंपनी में ही इन्वेस्ट करने थे। अब पैसा तो फंड मैनेजर के पास है और ये फंड मैनेजर अपने रिसर्च, अपने एक्सपर्ट और अपने व्यूज के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और पूरे ग्रुप के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के तहत इन्वेस्ट करता है। सो ही इज नॉट लायबल टू लिसन ओनली मी, और मैं एज एन इंडिविजुअल क्या ही उसको सलाह दे दूं। सो इट इज बेटर कि फंड मैनेजर अपने रिसर्च के तहत ही इन्वेस्ट करे। सो आई एज एन इंडिविजुअल मुझे कोई हक नहीं है मेरा खुद की स्कीम्स या खुद का पोर्टफोलियो डिटरमाइन करना। सो अगर मुझे वो करना है तो मैं म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, मुझे खुद से वो चीज करनी चाहिए। बट अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आई हैव टू रिलाई ऑन फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज। सो ये लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन वही कहना चाहते हैं। सेकंड, मुझे खर्चे पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद से जब मैनेज करता हूँ तो मैं खर्चों के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने पैसे म्यूचुअल फंड को दिए है तो म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सारी चीज करते हैं और उनको जहां ठीक लगता है वो खर्चे भी करेंगे। ऑफ कोर्स सेबी ने मैंडेट दिया हुआ है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है कितने खर्चे कहां पे किस तरीके से कर सकते हो, जिसको ओवरराइड म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता। बट विद इन दोज गाइडलाइंस हम इस पे कोई रोक टोक नहीं कर सकते। सो एज एन इंडिविजुअल आई डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन कॉस्ट। ओके, और लेजिटिमेट तरीके से जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जब हम पैसे कमाते हैं तो हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा, राइट? सो ऑन म्यूचुअल फंड्स वी नीड टू पे टैक्सेस। ओके, और जब हम खुद से मैनेज कर रहे हैं तो हम खुद के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सर्विस हम लेते हैं। जैसे एक तो फंड मैनेजर हमने देख लिया, उसके अलावा आरटीए होते हैं, कस्टोडियन होते हैं,
रजिस्ट्रार्स होते हैं, हम आगे देखेंगे इन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो इन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी एक्सपर्टीज जब हमें देते हैं तो उनको फीस भी चुकानी पड़ेगी। तो हेंस ये फीस भी एक तरीके से डिसएडवांटेज हमें दिखती है। लंबे अरसे में देखें तो एक्सपर्ट्स के जरिए भले ही फीस एक डिसएडवांटेज है, लेकिन लंबे अरसे में फायदे डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन सिंस वो एडिशनल कॉस्ट हमारे लिए बन जाता है, हेंस इज अ पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज। ओके, अब म्यूचुअल फंड हमने समझा तो सही, राइट, बट म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में अंतर क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में हम क्यों नहीं कह सकते कि दो शेयर्स मैंने खरीदे हैं, राइट, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं आपको मेरी एक और एक्सेल शेयर करता हूं। सबसे पहले तो समझते हैं क्या होता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। मान लीजिए आज हमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, राइट, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट जब किया तब मार्केट का भाव 10 रुपया था। म्यूचुअल फंड में हर स्कीम का अपना एक भाव होता है, एक यूनिट का भाव होता है, जिसको हम कहते हैं NAV, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे समझेंगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो बेसिकली आज के लिए समझिए एक यूनिट का भाव है 10 रुपया। तो मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एनएवी है 10 रुपया, तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? 1 लाख यूनिट्स मिलेंगे। ओके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब ये यूनिट्स क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं। अब म्यूचुअल फंड में होता क्या है, मैंने 10 लाख डाले, बट क्या फंड मैनेजर सिर्फ यही 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा? नहीं, किसी ने 2 लाख भी डाला होगा, किसी ने 50,000 भी डाला होगा, किसी ने 5 लाख भी डाला होगा, किसी ने 15 लाख भी डाला होगा। तो मैं और मेरे जैसे कई लोग हैं जिसका कुल मिला के पैसा जो है वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। समझ लेते हैं ये पूरा पैसा जो फंड मैनेजर मैनेज करता है वो 50 लाख रुपया है। फंड मैनेजर ये तो नहीं देखेगा कि मिलन का अलग से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं या किसी और का अलग से 5 लाख करूं, वो तो पूरे 50 लाख को इन्वेस्ट कर रहा है और यही 50 लाख रुपया उसने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है। ये अलग अलग जगह पे जो इन्वेस्ट किया है उसमें मिलन का कितना हक होता है ये कैसे समझ में आएगा? इसीलिए यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, और दिन रात जो प्राइस की मूवमेंट होती है दिन पर दिन, वो मूवमेंट्स के तहत चेक रखने के लिए भी यूनिट्स इम्पोर्टेंट है। और यूनिट्स का जो दिन पर दिन प्राइस चेंज होता है एनएवी, तो उसको भी ट्रैक करना जरूरी बन जाता है। ओके, सो मुझे लगता है ये प्रिटी क्लियर है कि क्यों हम म्यूचुअल फंड को यूनिट्स के तहत देखते हैं, राइट। अगर हमें समझ में आया है तो प्लीज चैट के जरिए यस बताइए, फिर मैं आगे जाता हूं। मुझे सबसे जवाब चाहिए। जी जो जी, अविनाश, नीलेश यादव, प्रतीक पुखले, शुभम तिवारी, प्रशांत परीत, नीलेश यादव, ओके
इंटरेस्ट। तो अब मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ओके, और मार्केट का भाव 10 रुपए था, ओके, बट जैसे मैंने कहा मार्केट का भाव हर दिन बदलते रहेगा, राइट। तो मान लीजिए दूसरे दिन पे एनएवी मार्केट का भाव बढ़ गया, 15 रुपया हो गया, तो वो 15 रुपए के कारण क्या होएगा, मेरा यूनिट्स सेम होगा, ओके, मेरा यूनिट्स सेम होगा, मार्केट का भाव बढ़ा है तो दूसरे दिन मेरे को अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं, मुझे मार्केट वैल्यू मिलेगी, ओके, तो मेरा एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मिलेगी मार्केट वैल्यू, ओके, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख रुपए होगी, मेरी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए होगी, ओके, समझ में आया? आप चैट के जरिए बताइए यस नो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू समझ में आया? ओके, चलो, जब तक ये मार्केट वैल्यू है और मैं पैसा विथड्रॉ नहीं करता, ओके, मैंने पैसे निकाले नहीं है, तो मेरा जो है मार्केट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट वैल्यू जब मैं माइनस करता हूं तो वो मेरा अनरियलाइज्ड गेन या लॉस हो जाता है, ओके? अभी तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है इसलिए मेरे को गेन्स मिल रहा है, बट मान लीजिए अगर मेरा भाव गिर गया होता तो मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ रहता, अनरियलाइज्ड लॉस, ठीक है। अब इसी सिलसिले में 15 लाख रुपया मेरी मार्केट वैल्यू है, 10 लाख रुपया मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यानी कि 5 लाख रुपए का मुझे अनरियलाइज्ड गेन मिल रहा है। अनरियलाइज्ड गेन यानी कि जब तक मैंने निकाले नहीं है तब तक का गेन, ओके, क्योंकि अभी तो ये केस में हम 5 लाख देख रहे हैं, राइट। मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको और आसान, ठीक है। मान लीजिए डे 3 पे एनएवी कम हो जाती 8 रुपए की, तो मेरे यूनिट्स तो उतने ही रहते, 1 लाख रुपया, तो मेरी मार्केट वैल्यू क्या होती, एनएवी इनटू यूनिट्स 8 लाख रुपया, राइट। मेरा अनरियलाइज्ड गेन या लॉस क्या होता, 8 लाख रुपया माइनस माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान होता। तो ये जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होता है वो एवरी डे फ्लक्चुएट होएगा, डिपेंड करता है एनएवी कैसे चल रही है, ओके, सो हेंस जब तक हम नहीं निकालेंगे अनरियलाइज्ड गेन या लॉस चेंज होता रहेगा, जिस दिन हम निकाल लेंगे वो अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ओके, रियलाइज्ड इज एक्चुअल, अनरियलाइज्ड को दूसरा नाम बोलते हैं नोशनल, नोशनल गेन या नोशनल लॉस, ओके, सबको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया है तो ही यस करिएगा। चैट के जरिए बताइए समझ में आया यस नो,
चीजों जी आई विल रिपीट फॉर यू ओके सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज मार्केट्स फ्लक्चुएट एवरी डे राइट मार्केट्स फ्लक्चुएट एवरी डे सो व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम ओके द स्कीम runs its own cost which is in the form of NAV right net asset value so suppose when I invested my 10 lakh rupees okay the price to purchase one unit was 10 rupees which is NAV okay so I invested 10 lakh price per unit was 10 so I got 1 lakh units right now since the prices fluctuate on a daily basis right prices fluctuate on a daily basis because on market conditions so for an example the price of Reliance changes every day TCS changes every day Infosys changes every day so basis this my NAV will also change assuming on day 2 okay my prices have increased to 15 rupees so my units will be constant they will never change to the tune of 10 lakh rupees that I have invested my units will never change okay so my units are constant my price has increased to 15 right so I need to know what is the value of my investments so to know the value of my investments what I have to simply do is units into unit per cost price which gives me market value so this 15 lakh rupees is my market value cost of my investment the value of my investment as on today so far so good sir I believe so okay now my market value is 15 lakh rupees and my investment value is 10 lakh rupees so the difference is 5 lakh rupees that I have gained okay but this 5 lakh rupees is just on paper because I have not yet redeemed those 5 lakh rupees hence the amount that I have not redeemed it is known as unrealized gain because on day 3 the prices might change as we see on the screen right So on day 3 the prices have reduced so my gains have gone and I have incurred loss so hence it is unrealized gain or loss okay the moment I book my profit or loss it is known as realized gain or loss I'm sure now it is clear Jijo ji could you please reconfirm whether now it is clear or not perfect hello so let us go back to our excel sorry our presentation okay so now as I said earlier okay मैंने जैसे शुरू में कहा इंडिया में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत काम करते हैं राइट तो अब समझते हैं ट्रस्ट कैसे बनता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कैसे बना है ओके तो सबसे पहले तो ट्रस्ट शुरू करने के लिए किसी को पैसे देने पड़ेंगे राइट जो पैसे देने वाले को हम कहते हैं स्पॉन्सर सो स्पॉन्सर ब्रिंग्स मनी इनटू द म्यूचुअल फंड नाउ कोई भी स्पॉन्सर नहीं बन सकता देयर इज अ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो
स्पॉन्सर्स को फुलफिल करनी पड़ती है। ओके, तो स्पॉन्सर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं? इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स यानी कि इमीडिएटली आज से लेके पिछले 5 साल, आज से लेके पिछले 5 साल में उनको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ही रहना होगा। आज से ही पिछले 5 साल में उनको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ही रहना होगा, नंबर वन। नंबर टू, इन 5 सालों में उनका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, उनका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि बेसिकली वो 3 साल में प्रॉफिट में भी होने चाहिए, देन ओनली वो स्पॉन्सर बनने को एलिजिबल होते हैं। और स्पॉन्सर, एक से ज्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है दो ही हो, एक होगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। ओके, सो स्पॉन्सर्स बेसिकली ब्रिंग्स मनी टू म्यूचुअल फंड। ओके, अब स्पॉन्सर का काम तो है पैसे लाना, राइट। अब ये जो ट्रस्ट बनेगा म्यूचुअल फंड का, ये ट्रस्ट पे किसी को देख रेख भी करनी होगी, तो वो देख रेख करने के लिए ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं। सो स्पॉन्सर्स अपॉइंट ट्रस्टीज, और ट्रस्टीज मिनिमम 4 होने चाहिए, मिनिमम 4 ट्रस्टीज आर रिक्वायर्ड। अब कभी कभार ऐसा होता है किसी एक कंपनी को ट्रस्टी बनाया जाता है, तो ऐसे केस में उस कंपनी के इंडिविजुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2/3 की मेजॉरिटी से होने चाहिए। अब ये किसी को समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज जस्ट मेमोराइज दिस। ओके, ट्रस्टी मिनिमम 4 होने चाहिए। इन केस कभी कभार ऐसा होता है किसी एक कंपनी को ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसे केसेस में उस कंपनी के इंडिविजुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2/3 की मेजॉरिटी से होने चाहिए। ओके, तो स्पॉन्सर हो गया, ट्रस्टी हो गया, स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टी जॉइंटली और सेपरेटली विल अपॉइंट AMC. AMC stands for Asset Management Company. Basically, day-to-day operations trust के AMC संभालेगी। AMC को आम भाषा में हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं। ओके, सो इनका मेन काम है day-to-day operations trust के संभालना। ओके, फिर आते हैं कस्टोडियन। अब कस्टोडियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बैंक्स में जाते हैं, बैंक में लॉकर रखते हैं, राइट। तो लॉकर में हम ज्यादातर क्या रखते हैं? गोल्ड। तो ये गोल्ड किसका होता है? हमारा, राइट। लॉकर किसका होता है? बैंक का। जिम्मेदारी किसकी है गोल्ड को संभाल के रखने की? बैंक की, राइट। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, हम हमारा पैसा एक फंड मैनेजर को दे रहे हैं, ये फंड मैनेजर आगे पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, विच इज इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, राइट। फंड मैनेजर ने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये जो एसेट्स फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, वो म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर अपने पास नहीं रख सकते, उनको एक थर्ड पार्टी को देने होते हैं, जिसको हम कस्टोडियन कहते हैं, राइट। जैसे हमारे किस्से में बैंक कस्टोडियन है गोल्ड का, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में हमारे एसेट्स को संभालने वाले को हम कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो हमारे एसेट्स को बराबर से रखे।
और ये म्यूचुअल फंड और कस्टोडियन अलग पार्टीज होनी चाहिए। अब ये कस्टोडियन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल अगर म्यूचुअल फंड के साथ कुछ हो गया तो इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ कोई चीज गलत ना हो, इसीलिए उनके एसेट्स को किसी थर्ड पार्टी के पास रखे जाते हैं जिसको हम कस्टोडियन कहते हैं। फिर स्कीम ऑडिटर आते हैं। स्कीम ऑडिटर का काम है स्कीम पे चेक रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग तरीके से पैसे मैनेज करते हैं, जैसे इक्विटी स्कीम्स है, डेट स्कीम्स है, गोल्ड स्कीम्स है, रियल एस्टेट स्कीम्स है। तो इक्विटी का पैसा डेट में नहीं जाना चाहिए, डेट का पैसा इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, बेसिक मैंडेट्स है, राइट। अब ये तो एसेट क्लास लेवल पे हो जाता है, बट मान लीजिए इक्विटी में भी तीन टुकड़े हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप का पैसा स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए, स्मॉल का पैसा मिड में नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे गाइडलाइंस होती है। तो ये गाइडलाइंस क्या स्कीम बराबर से फॉलो हो रही है, एक स्कीम में ये गाइडलाइंस बराबर से फॉलो हो रही है कि नहीं, हो सकता है जाने या अनजाने में भी हो सकता है, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस एक इन्वेस्टर के रिस्क के साथ दिक्कत नहीं हो, इसीलिए स्कीम ऑडिटर का काम है स्कीम पे निगरानी रखना। तो ऑडिटर का एक बेसिक तरीके से काम होता है ड्यू डिलीजेंस करना, राइट। फिर आते हैं आरटीए। आरटीए स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। इनका काम है इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इनका काम है इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। रजिस्ट्रार आज के दिन पे इंडिया में दो है, एक है कैंप्स, दूसरा है के फिनटेक। के फिनटेक का पुराना नाम था कार्वी, ओके। तो कैंप्स और के फिनटेक ये दो रजिस्ट्रार्स है, ओके। तो ये इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, राइट। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां है, मान लीजिए आज के दिन पे 40 से ज्यादा कंपनियां है, तो करीबन 20-22 कंपनियों ने कैंप्स को ये जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, ताकि जो 20-22 कंपनियां है उन्होंने के फिनटेक को जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे कंपनियों को 50-50 डिवाइड करना है, ये 20-22 आ रहा है इसके लिए जरूरी नहीं है वो 50-50 हो। हर म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने हिसाब से चुना हुआ है, उनको कैंप्स पसंद आया, उनके प्रोसेस पसंद आए, उनके सिस्टम पसंद आए, तो उन्होंने कैंप्स को दिया। बाकी कंपनियों को के फिनटेक को ज्यादा ठीक लगा तो उन्होंने के फिनटेक को दिया। यस जीजो जी, इट इज के फिनटेक, अदर वन इज कैंप्स। आई एम पुटिंग इट ऑन द चैट बॉक्स सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रेफर, ओके। फिर है एएमसी ऑडिटर, ओके। तो जैसे स्कीम ऑडिटर का काम है स्कीम पे निगरानी रखना सब बराबर चल रहा है कि नहीं, उसी तरीके से एएमसी का ऑडिटर का काम है एएमसी बराबर से काम कर रही है कि नहीं, ओके। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की स्कीम ऑडिटर एंड एएमसी ऑडिटर ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम पर्संस नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ओके। फिर बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, रीजन बीइंग इतने सारे पैसे फ्लो होते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, रिडेम्पशन के टाइम पे स्पॉन्सर्स इतना पैसा लेके आता है, म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा होता है, राइट। एनएवी डिटरमाइन करनी होती है, वो तो डेफिनेटली फंड अकाउंटेंट करते हैं, बट बहुत सारे पैसे फ्लो होते हैं तो वो बैंकर्स के जरिए होना कंपलसरी है, ओके। और फंड अकाउंटेंट जैसे मैंने कहा उनका काम है एनएवी कैलकुलेट करना। एनएवी स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू, ओके। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, आम भाषा में बोले तो म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का भाव, प्राइस पर यूनिट इज एनएवी।
इसको कैलकुलेट करते हैं फंड अकाउंटेंट। ओके ये चार्ट पे किसी को कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अब चैट के जरिए यस या नो बताएं। मैं बार बार आपको चैट यूज करने बोलूंगा, सो प्लीज गेट हैंडी टुवर्ड्स चैट। इससे दो चीजें होगी, एक तो मुझे समझ में आएगा आपको बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं, या यू नीड सम अटेंडेंस अटेंशन, दूसरा मुझे भी समझ में आएगा आप मेरी बातें सुन रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। सो प्लीज यूज चैट। बैंकर्स बेसिकली जिम्मेदार है ताकि पैसा सही तरीके से फ्लो हो रहा है कि नहीं, दैट इज अ रोल ऑफ बैंकर्स। जैसे आपने एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, तो ये म्यूचुअल फंड कैश में तो ले नहीं सकता, उनको डेफिनेटली आप चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, तो जो बैंक्स को म्यूचुअल फंड को इसी बैंक में डिपॉजिट करना होगा। फंड मैनेजर आगे जब एसेट्स खरीदेगा तो एएमसी को आगे वो पैसे चुकाने होंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वो सेटल करना होगा, राइट? तो हेंस बैंक्स रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके और मेरे नजरिए से स्मूथ तरीके से पैसा फ्लो हो, जिसके लिए बैंकर्स जिम्मेदारी है। स्पॉन्सर्स कैन बी एनीवन, लाइक आई सेड, मिनिमम 5 साल जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में बिताया है उनका नेटवर्क पॉजिटिव है और 3 साल उन्होंने प्रॉफिट डिटरमाइन किए हैं। If they are fulfilling these conditions, anyone can be a sponsor. I hope, Ajinkya, you are getting it. Nilesh Yadav, Shubham Tiwari, Soyab Pathan, आपको समझ में आया? आप चैट पे जवाब दीजिए, समझ में आया? यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक सैंपल डिजाइन है जो आप गो थ्रू कर सकते हो, स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, एएमसी, कस्टोडियन, आरटीए। So, हमने ये बातें तो कर ली है, बट जस्ट वन और टू फ्यू पॉइंट्स जो अगर हम मिस कर गए हो डिस्कशन में, इसलिए हमने ये स्लाइड्स रखी है यहाँ पे। ओके, सो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत काम करते हैं और वो गवर्न करते हैं सेबी को, आई मीन सेबी म्यूचुअल फंड्स को गवर्न करते हैं अंडर सेबी रेगुलेशंस 1996। ओके, एक से ज्यादा स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बना है इन्वेस्टर्स के लिए ताकि इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स, अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने में एक्सपर्ट का सहारा ले और वो बेटर प्रॉफिट्स कमा सके, इसीलिए ट्रस्ट बना है। तो ये ट्रस्ट बना है इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, तो इसीलिए कहते हैं बेनिफिशियरीज इन अ म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टर्स। Beneficiaries in mutual fund are investors. Investors को दूसरा नाम भी दिया है, unit holders. फिर AMC is appointed by sponsor or trustees. Day-to-day operations managed by AMC. AMC को minimum net worth 50 करोड़ चाहिए। AMC, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है? अजिंक्य जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अजिंक्य हांडे जी, थैंक यू। कुछ पूछना है आपको?
जिनके हांडे जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज प्लीज म्यूट रखिए। कोऑर्डिनेटर प्लीज अजिंक्य जी को म्यूट कर देंगे, बिकॉज आई सी नो क्वेश्चन कमिंग इन। ओके, सो एएमसी के पास मिनिमम 50 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। ओके, एएमसी शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्टी और एएमसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, जहां पे ट्रस्टीज बताते हैं एएमसी को कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। कस्टडी ऑफ द एसेट्स इज विद कस्टोडियन, राइट। एप्लीकेशन टू सेबी इज मेड बाय स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स को मिनिमम 4 ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं। हमने ये सारी बातें कर ली, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन अभी तक? अजिंक्य हांडे जी प्लीज। ओके, परफेक्ट। सो अभी हम देखते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम को हम कैसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन वाइज, सो ड्यूरेशन वाइज हम देखते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल। ओके, ओपन एंडेड यानी कि कभी भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना है, कभी भी पैसा विथड्रॉ करना है, इसको हम ओपन एंडेड कहते हैं। दूसरा है, आज हमने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन कुछ समय तक पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मैंने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन कुछ समय तक विथड्रॉ नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड। इन्वेस्ट कर दिया लेकिन कुछ समय तक विथड्रॉ नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी कि आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ समय तक पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकता, फिर मुझे एक विंडो मिलती है जहां पे या तो मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूं, या तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसको मैं पार्टली या टोटली विड्रॉ कर सकता हूं, और फिर से एक विंडो बंद हो जाती है और मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। इस तरीके के फंड को हम इंटरवल फंड कहते हैं। आई रिपीट, ओपन एंडेड कभी भी इन्वेस्ट करिए, कभी भी विड्रॉ करिए। क्लोज एंडेड इज हमने इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ समय तक विड्रॉ नहीं कर सकते, दैट इज क्लोज एंडेड। इंटरवल इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के कॉम्बिनेशन को हम इंटरवल फंड कहते हैं। ओके, सबको समझ में आया ये चीज? राइट। अब एक चीज समझिए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव के लिए भी और एग्जाम के नजरिए से भी। ओके, क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड में मैंने क्या कहा, कुछ समय तक हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ समय तक हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया लिक्विडिटी एक एडवांटेज है। लिक्विडिटी एडवांटेज यानी कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर लिक्विडिटी में म्यूचुअल फंड एडवांटेज है, यानी कि कभी भी पैसा निकाल सकता हूं, तो क्लोज एंडेड में ये कंडीशन कैसे आ गई कि मैं पैसा नहीं निकाल सकता, राइट। सो हेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लोज एंडेड फंड में एक ऑप्शन होता है दैट इसको आप स्टॉक
मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके ट्रेड कर सकते हो। ये अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, क्लोज एंडेड फंड्स कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड। क्लोज एंडेड फंड कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ लीजिएगा। बेसिकली आप क्लोज एंडेड फंड अगर आपको जरूरत पड़ती है तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं जा सकते, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाइए। सामने कोई खरीदार रहेगा तो उसको ये यूनिट्स बेच सकते हो। तो ओनली कंडीशन इज सामने खरीदार होना चाहिए, सामने बायर नीड्स टू बी अवेलेबल टू परचेज योर यूनिट्स, देन ओनली क्लोज एंडेड फंड बिक सकता है। बट एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद जो भी क्लोज एंडेड यूनिट्स क्लोज एंडेड फंड का जो भी टाइम होगा उसके बाद तो ऑटोमेटिकली बिक सकता है, तब तो म्यूचुअल फंड ही खरीद लेगी। बट ये उस दौरान जब वो क्लोज एंडेड के पीरियड में है तब की बात चल रही है। फिर बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की। ओके, हम ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं हम यही सोचते हैं कि हम बेटर रिटर्न्स कमा सके, राइट? ये हम सबकी मंशा होती है, सबकी इच्छा होती है, लेकिन बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू व्हाट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट? राइट, सो आमतौर पे जो पैसिव फंड मैनेजर है, ओके, मैं पहले पैसिव की बात कर रहा हूँ, ओके, तो पैसिव फंड मैनेजर क्या करता है? एक इंडेक्स के तहत पैसा इन्वेस्ट करता है। अब इंडेक्स समझते हैं, ओके? मान लीजिए एनएससी स्टॉक एक्सचेंज तो है, राइट? एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में 300 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में 300 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, बट निफ्टी को, एनएससी को रिप्रेजेंट करता निफ्टी है, और निफ्टी को हम हमेशा क्या कहते हैं? निफ्टी 50। क्या कहते हैं? निफ्टी 50। ये क्यों कहते हैं? कि ये जो 300 स्टॉक्स है इसको मुझे हर स्टॉक पे इंडिविजुअल जाने के देखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ये सारों को समझने के लिए टॉप 50 कंपनीज का डायरेक्शन मुझे अंदाजा दे देगा कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इसलिए उसको निफ्टी 50 कहते हैं। और ये जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं, ओके? बकायदा निफ्टी का अलग से इंडेक्स है, सेंसेक्स का अलग से इंडेक्स है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सबका अलग से इंडेक्स होता है, बट फिलहाल निफ्टी को समझते हैं, ओके? सो निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 स्टॉक्स अवेलेबल है, राइट? ये पैसिव फंड मैनेजर क्या करता है? उन 50 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। अब ये 50 स्टॉक को हर कंपनी को, हर स्टॉक को एक वेटेज दिया होता है, ओके? तो उस वेटेज, चाहे फंड मैनेजर के पास 100 रुपया आ रहा है, लाख रुपया आ रहा है, या 1 करोड़ रुपया आ रहा है, वो उस इंडेक्स फंड के स्टॉक्स में उस वेटेज के तहत इन्वेस्ट करेगा। तो अगर इंडेक्स फंड ऊपर गया तो पैसिव फंड भी ऊपर जाएगा, अगर इंडेक्स नीचे गया तो पैसिव फंड भी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव फंड मैनेजर का काम क्या है? उसको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसको सिंपल इंडेक्स फंड में, इंडेक्स के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर देना है। तो मान लीजिए अगर इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया है, या आप चैट के जरिए मुझे जवाब दीजिएगा, अगर इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया है तो हमारे पैसिव फंड मैनेजर ने कितने रिटर्न्स देना चाहिए?
अगर इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया है तो हमारे पैसिव फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न देना चाहिए? चैट के जरिए बताइए, 12 से कम, 12 या 12 से ज्यादा? अजिंक्य, अविनाश, जीजो, मनोज, प्रशांत, राहुल, शुभम, बताइए। अगर इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया है तो हमारे पैसिव फंड ने कितना रिटर्न देना चाहिए? 12 से कम, 12 या 12 से ज्यादा? आमतौर पे उनको 12% ही देना चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। रियलिटी में वो 12 के आसपास देगा, 12 के आसपास देगा, क्योंकि पैसिव फंड मैनेजर तो एक ही बार ट्रेड करेगा। लेकिन हमारा फंड मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट एवरी सेकेंड बदलता है, राइट? तो उसके कारण कभी कभार प्राइस मूवमेंट्स की वजह से परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में फर्क हो सकता है, और इस फर्क को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ये लिख लीजिए आप सब, इसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर। जो पैसिव फंड मैनेजर कोशिश करता है इंडेक्स के बराबर रिटर्न्स देने की, बट डिफरेंस हो सकता है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। और फिर हम बात करते हैं एक्टिव फंड मैनेजर की। एक्टिव फंड मैनेजर क्या करता है? एक्टिव फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा, वो कोशिश करेगा आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स देने की, जिसको आम भाषा में हम बेंचमार्क कहते हैं। तो एक्टिव फंड मैनेजर कोशिश करेगा आपको बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स लाके देने की, राइट? और इसीलिए वो रिसर्च करेंगे, वो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, निकालेंगे, कुछ स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करेंगे, तो वो सब कुछ करेंगे। उनका इंटेंशन बड़ा सिंपल है, आपको बेटर रिटर्न्स लाके देने की। सो फॉर एग्जांपल, सपोज बेंचमार्क ने 12% रिटर्न दिया है और हमारे एक्टिव फंड मैनेजर 12 से ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए उन्होंने 14% रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 12 दिया, एक्टिव फंड मैनेजर ने 14% रिटर्न दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 2% एक्स्ट्रा दिया। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं फंड मैनेजर जनरेटेड 2% अल्फा। हम क्या कहते हैं? फंड मैनेजर जनरेटेड 2% अल्फा। फिर चार्जेस वाइज हम बात करते हैं लोड फंड्स, नो लोड फंड्स। लोड फंड्स यानी कि इन्वेस्टमेंट में कुछ खर्चा लगता है, नो लोड फंड्स यानी कि कोई खर्चा नहीं लगता। अब कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं? मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ये 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा कट हो जाता है और मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा, उसको एंट्री लोड कहते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में एंट्री लोड इज बैंड। तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो पूरा इन्वेस्ट होगा, कोई डिडक्ट नहीं होगा। अब एग्जिट लोड की बात करें तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन कुछ समय से पहले अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो कंपनी आपको एक पेनल्टी लगाएगी इन द फॉर्म ऑफ एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। कुछ कैटेगरी में 7 दिन होते हैं, कुछ कैटेगरी में 1 साल है, कुछ कैटेगरी में 3 साल है, तो वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करेगा। आमतौर पे एग्जिट लोड 1% का होता है। फिर बात करते हैं डेफर्ड लोड। सो डेफर्ड लोड एक टाइप का
खर्चा है जो फ्यूचर में आने वाला है उसका प्रोविजन हमने आज से ही साइड में रख दिया है, सो दैट इज डेफर्ड लोन। और कंटिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस, ये भी एक टाइप का खर्चा ही है जो फ्यूचर में आने वाला है, बट ये स्पेसिफिक खर्चा है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड, इसलिए उसको CDSC कहा जाता है, कंटिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस। फिर हर स्कीम में आप तीन ऑप्शंस देखेंगे, एक ग्रोथ ऑप्शन है, दूसरा डिविडेंड ऑप्शन है। ग्रोथ ऑप्शन यानी कि पैसा आज आपने इन्वेस्ट किया है और वो मार्केट के अनुसार बढ़ता रहेगा, दैट इज ग्रोथ ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड, यानी कि आज आपने इन्वेस्ट किया लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से आप रेगुलर इनकम चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसको डिविडेंड पे आउट कहते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी डिविडेंड है, लेकिन ये जो इनकम जनरेट हुई वो आप घर पे नहीं लेके जाके, वो आप फिर से इन्वेस्ट करते हो, तो जो पैसा फिर से इन्वेस्ट होता है डिविडेंड वाला, उसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हर स्कीम में तीन ऑप्शन है, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ओके। और ये डिविडेंड पे आउट या री इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही डिटरमाइन करना होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होते टाइम नहीं कर सकते, ओके। फिर कुछ कैटेगरीज है जो आपको हम नोट्स देंगे उसमें समझ में आ जाएगी, ओके। सो इक्विटी में आपके पास है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ELSS, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे ऑप्शंस है। सेम डेट में भी आपके पास ओवरनाइट, लिक्विड, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड, PSU डेट, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक और चीज समझिए, इस डेफिनेशन ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल। सपोज एक कंपनी के 100 शेयर्स है और शेयर प्राइस एक कंपनी का 10 रुपया है, सो 100 × 10 इस कंपनी का मार्केट कैप इज 1000, तो ऐसे मार्केट कैप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। डिसेंडिंग यानी कि 1000 पहले, 900 सेकेंड, 803, 714, तो इस हिसाब से फर्स्ट 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहते हैं, 101 to 250 को मिड कैप कहते हैं, 250 के बियॉन्ड को स्मॉल कैप कहते हैं। और ये म्यूचुअल फंड डेफिनेशन है, डायरेक्ट स्टॉक्स का डेफिनेशन अलग होता है, ओके? और भी कई तरीके के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होती है जो आपको हम नोट्स देंगे, आपको नोट्स पढ़ लीजिएगा, कुछ डाउट्स रहेगा तो कल उसको हम डिस्कस करेंगे और ये सारी कैटेगरीज को कल हम फिर से दोहराएंगे। मैं चाहता हूं पहले आप नोट्स पढ़ के आइए तो ये कैटेगरी समझने में आसानी होगी, तो मैं एक छोटा होमवर्क आपको देता हूं, इस नोट्स पढ़ के आइएगा। तो हम यहीं पे आज का सेशन फिनिश करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो प्लीज बताइए। ओके, सो आई थिंक कोऑर्डिनेटर का व्हाट्सएप आया है, अभी तो कुछ करना नहीं है। सो आई थिंक कल लेट्स कोशिश करते हैं शार्प 9 बजे शुरू करने की, सो दैट हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। आई रिक्वेस्ट ईच वन 9 बजे शार्प ज्वाइन कर लीजिए। और आज पहला दिन था, थोड़ा ज्ञान ज्यादा था इसलिए हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है, बट कल इंश्योर करेंगे फुल स्पीड में चलेंगे और एकदम डिटेल में जाएंगे, ओके। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो शार्प 9 AM। थैंक यू सो मच।